यदि आप भी एक स्वस्थ जीवन शैली की कल्पना करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका शरीर और आपका मन हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोगी रहे, जब तक आप जिए तब तक आपका शरीर ऊर्जावान रहे, ताकतवर रहे और निरोगवान रहे, तो आज से ही अपने जीवन में योग को उतार दें। आज से ही अपने जीवन में योग को शामिल कर दें। प्रत्येक दिन सुबह हो या फिर शाम हो, योग का अभ्यास जरूर करें। योगाभ्यास के साथ साथ प्राणायाम का अभ्यास भी बहुत जरूरी है, ताकि शरीर और मन का एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहे, आपका मन हमेशा शांत रहे, मन आपका ऊर्जावान रहे, शरीर आपका निरोगवान रहे। प्राणायाम और योग शारीरिक तथा मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। आज के वीडियो में मैं आपको दो ऐसे प्राणायाम बताने वाला हूं, यदि इनका आपने नियमित अभ्यास किया तो आप जिंदगी भर कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आपका शरीर और आपका मन हमेशा स्वस्थ रहेगा, ये मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ। प्रत्येक सुबह खाली पेट आपको कम से कम 5 से 10 मिनट इन दो प्राणायाम का अभ्यास करना है। सबसे पहले आप जमीन पर पालथी मारकर बैठ जाएं। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो आप अपनी पलंग पर दीवार के सहारे बैठ जाएगा, अपनी कुर्सी पर बैठ जाएगा या फिर सोफे पर बैठ जाएगा। आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, एक लाइन में होनी चाहिए। दोनों हाथों को आपने ऐसे ज्ञान मुद्रा में अपने घुटनों के ऊपर रखना है और आंखों को कोमलता के साथ बंद करना है। कुछ देर आपने अपनी आती जाती श्वास की गति पर ध्यान देना है। मन और शरीर को रिलैक्स अवस्था में रखना है। सिर्फ आपने अपनी आती जाती श्वास की गति पर ध्यान देना है। जैसा ही आपको लगेगा कि आपका मन शांत हो गया है, आपका शरीर स्थिर होने लगा है, फिर आपको 1 से 1.5 मिनट लगातार कपालभाति का अभ्यास करना है। कपालभाति यानी मस्तिष्क भाति यानी शोधन, अपने मस्तिष्क का शोधन करना है। ऐसा आपको लगातार करते जाना है। दूसरा अभ्यास आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले अपनी दाहिनी कोहनी को ऐसे मोड़ के रखना है। अंगूठे से आपने दाहिनी नाक को बंद कर देना है। बाई नाक से लंबा गहरा सांस लेना है आपको। अब अपने रिंग फिंगर से बाई नाक को बंद करें और दाहिनी नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। फिर दाहिनी नाक से सांस लें। और बाई नासिका से सांस को बाहर छोड़ दें। अब बाई नासिका से सांस को लंबा गहरा लें सांस को दाहिनी नाक से छोड़ दें।
सांस को दाहिनी नास से लें, बाईं नाक से सांस को बाहर छोड़ दें। आपने इस तरह अनुलोम विलोम का 2 से 3 मिनट लगातार अभ्यास करना है ताकि आपके शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ सके, आपके शरीर मजबूत बलवान और ताकतवर हो सके। यदि आपने बताए गए इन 2 प्राणायाम का अभ्यास कुछ दिन लगातार किया तो आपको कुछ ही दिनों में अपने शरीर में चमत्कारिक परिवर्तन नजर आएंगे। आपको लगेगा कि पहले के मुकाबले अब आपका मन बहुत शांत और स्थिर रहने लगा है, आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ गई है, अब आपका शरीर पहले के मुकाबले कम थकता है और आपको अच्छी नींद आनी शुरू हो गई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो हिंदुस्तान के हर कोने कोने में पहुंच सके। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन दबाएगा ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा आप अपना और अपनी सेहत का ख्याल। जय हिंद, जय भारत।